तो गाइज़, अगर आपको अपने विंडोज़ पीसी की स्पीड बढ़ानी हो और आपके विंडोज़ पीसी की स्पीड पहले से कंपैरेटिवली स्लो हो गई है, इस वीडियो में मैं यही बताऊँ कि कुछ आप सिंपल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने विंडोज़ 11 पीसी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। किसी के पास विंडोज़ 10 हो और वो मेरी ये वाली वीडियो देख रहा है, वो भी सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ UI का फ़र्क है, बाकी सारी सेटिंग्स और फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। बिना किसी देरी के चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला रीज़न हो सकता है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम पे कुछ प्रोग्राम्स स्टार्टअप के टाइम पे इनेबल रहते हैं और पीसी की स्टार्टअप स्पीड कम कर देता है। वो चीज़ ठीक करने के लिए आप पहले अपना टास्क मैनेजर खोलना है। इसमें आपको जाना है ऊपर स्टार्टअप पे और यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, कुछ आपने इंस्टॉल भी करे होंगे, आपके मतलब डिफरेंट भी हो सकता है। आप जैसे जैसे प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, इन सब में से जिसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है तो वो आप डिसेबल कर सकते हैं। ध्यान रहे आप विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल मत करना, क्योंकि फिर आपके पीसी में थोड़ी दिक्कत आएगी और वायरस का रिस्क रहेगा। जो सेकंड मेथड है उसमें आपको नॉर्मली जितने भी अनयूज प्रोग्राम्स हैं उनको आपको अनइंस्टॉल करना है। आपका प्रोग्राम काम में नहीं आ रहा है आपके, तो आपको उसको अनइंस्टॉल करना ज़रूरी है। उससे आपकी स्टोरेज भी फ्री हो जाएगी और जो ओवरऑल बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो आपको जाना है यहाँ पे प्रोग्राम्स पे, फिर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, इसमें आपके सारे प्रोग्राम जो कि इंस्टॉल्ड हैं इस पर वो सारे आपको दिख जाएंगे। अब इसमें से आपको जो भी नहीं चाहिए वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरे को जूम अनइंस्टॉल करना है तो जूम पे क्लिक करके ऊपर से आप अनइंस्टॉल करेंगे तो आपका जूम अनइंस्टॉल हो चुका है। थर्ड है कि अगर आपका इन सब चीज़ों के बाद भी कंप्यूटर हल्का बहुत स्लो है तो आप ट्राई कर सकते हैं एक वायरस स्कैन करने के लिए, क्योंकि वायरस और मालवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर को कहीं ना कहीं स्लो करता है। जैसे मेरे पास मैकैफे है और अगर आपके पास विंडोज़ डिफेंडर है तो आप नॉर्मली अपना विंडोज़ डिफेंडर के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। क्विक स्कैन करके और यहाँ से फिर स्कैन हो जाएगी। और अगर आपको फुल सिस्टम स्कैन करना है तो नीचे आप स्कैन ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल स्पेसिफिक फोल्डर स्कैन करना है तो आप कस्टम स्कैन पे जा सकते हैं, और ऑफलाइन स्कैन करेंगे तो वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपका मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब गाइस, फोर्थ मेथड है कि आप अपने विंडोज़ की सारी एनिमेशंस बंद कर दें। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे, फिर आपको जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फिर आपको जाना है सिस्टम पे, और इसमें आपको जाना है अलाउ रिमोट एक्सेस पे, और इसमें फिर आपको जाना है एडवांस्ड पे। एडवांस्ड पे जब आप जाएंगे परफॉर्मेंस पे तो इसकी सेटिंग्स पे आप जब खोलेंगे तो आपको नीचे बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आप इनमें से कस्टम सेट कर सकते हैं कि कौन सी एनिमेशन आपको करनी है सेट और कौन सी नहीं करनी है। वरना आप कर सकते हैं कि आप यहाँ से ओवरऑल जो है ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। जैसे अगर मेरे को बेस्ट अपीयरेंस के लिए सेट करना है तो उसके लिए कर लेगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा रखनी है तो उसके लिए सेट कर देगा। परफॉर्मेंस ज़्यादा करोगे तो सारे बंद कर हो जाएंगे, बेस्ट अपीयरेंस के लिए सेट करोगे तो सारे ऑन हो जाएंगे, और लेट विंडोज़ चूज़ में आपका ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा। जो इसका दूसरा मेथड है उसके लिए आपको सिस्टम पे डायरेक्ट क्लिक करना है और ये सेटिंग्स खोलेगा। विंडोज़ 11 में ये फीचर आएगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, फिर आपको जाना है विजुअल इफेक्ट्स में, यहाँ पे आपको एनिमेशन इफेक्ट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको ऑफ कर देना। इससे भी आपके सारे एनिमेशन इफेक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफ हो चुके हैं, और अब मैं जब ऑन करूंगा तो आपके एनिमेशन इफेक्ट्स वापस आ, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपकी स्पीड को बढ़ाने। अब आपका फिफ्थ मेथड है कि आप अपने विंडोज़ में जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उसको एक बार चेक कर ले, क्योंकि विंडोज़ आपकी अप टू डेट रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी में अपग्रेड्स होते हैं और बग फिक्सेज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पीसी के लिए। उस चीज़ को चेक करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे, नीचे आपको विंडोज़ अपडेट दिखेगा इस पे जाना है, और यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट्स करना है। तो जैसे कि अगर आपकी अपडेट्स होंगी तो यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे मेरी एक अपडेट अभी पेंडिंग है तो यहाँ से आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, और रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट करके आपकी वो अपडेट हो जाएगी। सिक्स्थ मेथड मेनली जो है लैपटॉप यूजर्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पावर ऑप्शंस हैं वो आपके सेट होने चाहिए अकॉर्डिंगली। तो पावर सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे, यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, फिर नीचे आपको पावर ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है या तो अगर आपने पावर सेवर पे करा हुआ हो तो वो मत करना, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली 50% कैपेसिटी पे आपका फिर पूरा पीसी वर्क करता है, हाई परफॉर्मेंस पे आपका वो 100% पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से आपकी स्पीड परफॉर्मेंस दोनों इंक्रीज होगी। बैलेंस भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको मैंने सेटिंग बता दी कि यहाँ से आप पावर सेटिंग भी छेड़ सकते हैं। सेवेंथ मेथड थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, आपको जानना है सर्च पे, यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है, ये ओपन करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है WMIC, एंटर मारना है, और फिर नीचे आपको एक दिखेगा, इसमें आपको टाइप करना है डिस्क ड्राइव स्पेस गेट स्टेटस, एंटर करना है,
तो मेरी आपको जैसे मेरे में एक ही ड्राइव है तो आपको उसका स्टेटस ओके दिख रहा होगा। इसका मतलब ये आपकी उस वाली ड्राइव में कोई भी इशू नहीं है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। जैसे आपने चार पांच ड्राइव में पार्टीशन करा हुआ है तो चार पांच बार ये स्टेटस बता देगा। एट मेथड की बात करता हूँ, इसमें आपको वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना होगा और फिर आपको टाइप करना है chkdsk स्पेस सी डॉट स्पेस सॉरी एंटर। तो भाई जैसे कि इसमें लिखा है कि सी ड्राइव को स्कैन करने के लिए आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और उसका रीज़न ये है कि सी ड्राइव में आपकी कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि बैकग्राउंड में ऑलवेज रन कर रही होती हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसी ड्राइव है अदर देन सी तो वो आप स्कैन कर सकते हो एट द सेम टाइम। नाइन्थ मेथड है कि अगर आपकी कोई सिस्टम फाइल्स हैं बहुत सारी होती हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, कुछ कुछ हिडन भी रहती हैं, अगर आपको चेक करने की कोई सी फाइल आपकी उसमें से बाई चांस करप्टेड तो ना हो गई हो, उसमें अगर कोई फाइल मिसिंग है तो उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए आपको वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। हाँ हाँ जानता हूँ मैं बहुत बार जा रहे हैं इस पर, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें आपको टाइप करना है sfc स्पेस स्लैश स्कैन नाउ, एंटर मारना है। इससे आपका पूरा सिस्टम स्कैन कर लेगा ये कि, और उसमें चेक कर लेगा कि कोई सी भी सिस्टम फाइल आपकी करप्टेड तो नहीं हो या फिर वर्क नहीं कर रही हो। आपको इसमें कुछ एरर्स अगर आते हैं आपके तो कुछ तो ये अपने आप फिक्स भी कर देगा, कुछ रिपेयर भी कर देगा, वरना कुछ एरर्स जो फिक्स ना हो पा उनको आपको खुद गूगल करना पड़ेगा और उनको खुद आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। वरना अगर आपको एरर्स आते हैं और आपको नहीं मिल रहे हैं एरर्स तो एक बार आप कमेंट्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके माती है तो आप जरूर से चेक कर सकते हो गूगल पे। एक और मेथड है जिसमें आप चेक करेंगे अपने मेमोरी इश्यूज को, तो आपको जाना है सिंपली सर्च में या, और इसमें आपको टाइप करना है विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक, और इसमें आपको जाना है। ध्यान रखना कि आप बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप इसमें मत लेना, क्योंकि आपका पूरा दिक्कत आ सकती है। मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो मैं इसको डायरेक्टली रीस्टार्ट नहीं कर सकता, तो मेरे को ये सेकंड वाला ऑप्शन करना पड़ेगा और फिर मैं आपको कैमरा से दिखाऊंगा कैसे होता है। तो इसको क्लिक कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपका मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल चेक करेगा आपकी मेमोरी को और आपको रिजल्ट्स दे देगा। F1 क्लिक करके ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट को सेट कर सकते हैं, बट इसको करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई इशू ज्यादा सीरियस ना हो, ना छेड़ना ही बेटर है, आपका कंप्यूटर उड़ जाए अगले दिन, पापा डांट लगाए क्या फायदा। तो अगर ये सब चीजें करने के वक्त भी अगर आपका पीसी कहीं ना कहीं स्लो चल रहा है अभी भी, तो आप पूरी विंडोज रीइंस्टॉल फॉर्मेट करके एक डेड एंड है कि आप इसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो, तब वो कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश इंस्टॉल के साथ आपका पीसी एकदम इतना बढ़िया चलता है मैं बता नहीं सकता, एक बार मैंने करी थी यही चीज़। या फिर आप कर सकते हैं अगर आपके जेब में पैसा हो तो, या तो आप एक SSD लगवा लीजिए, जो मेमोरी ट्रांसफर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है उससे, और डेटा ट्रांसफर भी काफ़ी फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पीसी ओवरऑल फास्ट हो जाते हैं। अगर आपकी जेब में और भी ज़्यादा पैसा है तो आप रैम लगवा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा रैम स्टिक लगवाने से भी आपका पीसी आपके पीसी की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो यार, ऐसे कैसे चलेगा यार, वीडियो लाइक करो और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ करके सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 1 साल हो गया वीडियो बनाते बनाते और सब्सक्राइबर बहुत ही कम बढ़ रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए आप और घंटी वाले आइकन को जरूर से दबा लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलता हूँ टाटा एंड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।